हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी टेस्टी और सुपर सॉफ्ट अलसी के लड्डू बनाएंगे इसे सर्दियों में जरूर खाना चाहिए इसे खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और हड्डियां मजबूत होती हैं सर्दियों में डेली ये लड्डू खाने से होने वाली प्रॉब्लम सर्दी खांसी जुकाम जोड़ों में दर्द ये सब नहीं होते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं इसे बनाने के लिए आधा किलो अलसी ली है और आधा किलो ही मोटा वाला बेसन लिया है और 100 ग्राम गोंद लिया है और ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे यहाँ पर मैंने काजू बादाम किशमिश अखरोट और मगज लिए हैं इन सबको मैंने एक कटोरी लिया है आप इसे अपने अकॉर्डिंग कमियाँ ज्यादा कर सकते हैं और एक बाउल भर के मैंने मखाने लिए हैं इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कमियाँ ज्यादा कर सकते हैं और तीन ग्राम देसी घी लिया है और आधा किलो गुड़ लिया है इस सामान से दो किलो लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे और इसमें अलसी को डाल के भून लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें तड़ तड़ की आवाज आने लग जाए और ये देखिए इसमें से आवाज आनी शुरू हो गई है इसका मतलब ये अच्छे से भून गई है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में एक भर के चम्मच देसी घी का डालेंगे और इसमें बादाम डालकर बादाम को भून लेंगे बादाम अच्छे से भून गए हैं और अब हम बादाम को निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम काजू को भी भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और ये देखिए काजू भी इतने अच्छे से भून चुके हैं इसे भी निकाल लेंगे और अब इसमें अखरोट किशमिश और मगज तीनों को डाल के भून लेंगे तीनों को मैंने इकट्ठा डाला है क्योंकि ये बड़ी जल्दी भून जाते हैं और इस तरीके से जब हम सारे ड्राई फ्रूट को देसी घी में भूनकर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और दो से तीन मिनट लगे हैं मुझे इसे भूनने में किशमिश भी कितने अच्छे से भून गई है फूल गई है और अब हम इन सबको निकाल लेंगे और अब इसी कढ़ाई में हम गोंद को भी भून लेंगे एक भर के चम्मच हमने घी का डाला था और उसी से ही हमने सारे ड्राई फ्रूट को भूना है गोंद को भी हम अच्छे से भूनेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और ये देखिए गोंद भी अच्छे से भून गई है अपनी क्वांटिटी से डबल हो गई है और अब हम इसको भी निकाल लेंगे और कढ़ाई में घी खत्म हो गया है एक चम्मच घी डालकर इसमें मखानों को डालकर मखानों को भी भून लेंगे मखाने सारा घी जल्दी पी जाते हैं इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रोस्ट कर रही हूं ये देखिए मखाने भी रोस्ट हो गए हैं और इसे हम बहुत गर्म है अभी और इसे हम इस तरीके से दबाएंगे देखिए कितना क्रंची सा ये टूट रहा है तो इसका मतलब मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं इसे भी हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में दो भर के चम्मच देसी घी के डालेंगे ये देसी घी जमा हुआ है तो इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा ही लें सर्दियों के लिए खास लड्डू बना रहे हैं तो घी तो ज्यादा लगता ही है और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे घी के मेल्ट होने पर इसमें बेसन को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे भूनने में और अगर आपको इसमें घी कम लग रहा है तो आप इसमें घी और डालकर इसे अच्छे से भून लें और हमें इसे भूनना बहुत ही अच्छे से है इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर कच्चापन होगा तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है ये अच्छे से भून गया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें अलसी को डालकर इसे दर दरा सब पीस लेंगे और इसे पीसने के लिए अलसी हल्की सी गर्म होनी चाहिए ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए इसे ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगी तो ये देखिए हमने इसे इस तरीके से दर दरा सा पीस लेना है और दरदरी पीसी हुई अलसी को भुने वाले बेसन में डाल देंगे और सारे ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे मैंने यहाँ पर बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लिया है जिसमें काजू बादाम किशमिश अखरोट सारे ही इसमें आ गए हैं और इनको मैं पीस रही हूँ आप चाहे तो इसे दो बार में भी करके पीस सकते हैं और इसे आप अपने अकॉर्डिंग दरदरा या बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं लेकिन अगर हम इन्हें दरदरा पीसेंगे तो जब हम लड्डू बनाकर खाएंगे तो इनके चंक्स हमारे मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा दरदरा ही रखा है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं और इन पीसे हुए ड्राई फ्रूट को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और मखाने और गोंद को भी डाल के पीस लेंगे और इनको भी मैंने दरदरा ही रखा है और इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे पीसे हुए ड्राई फ्रूट बेसन अलसी बहुत ही अच्छे से इसे हम मिला देंगे और अब गुड़ की चाशनी बना लेंगे तो मैंने गुड़ को अच्छे से पीस लिया है और आधा गिलास जितना इसमें पानी डालेंगे पानी हम उतना ही डालेंगे जितना कि गुड़ जो है वो पानी में डूब जाए ये देखिए इस तरीके से ज्यादा पानी को नहीं डालेंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे इसे ज्यादा नहीं पकाना है तो ये देखिए एक उबाल आ गया है गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को हम छलनी में छान कर ही कढ़ाई में डालेंगे क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी गंदगी होती है और इस तरीके से छानने से वो सारी गंदगी निकल जाती है ये देखिए इस तरीके से छानने से सारी गंदगी निकल जाती है और अब हम गुड़ की चाशनी के साथ सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे छोटे बड़े जिस भी साइज के आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग लड्डू बना सकते हैं ये देखिए कितने आराम से लड्डू बन गए हैं ये बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बने हैं और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे एक और बना के दिखाती हूँ थोड़े से मिश्रण को हम उठाएंगे दोनों हाथों से बांधते जाएंगे और ये देखिए कितने आराम से लड्डू बन जाएंगे और इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग